नमस्कार। जी नमस्कार। संवाद में हम बातचीत कर रहे हैं पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ झारखंड से। ये जो भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी जो अब खुलेआम केंद्र को भी चुनौती दे रहे हैं और बिहार भाजपा को भी चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ही जो हूं उसी में एकमात्र ताकत है जो कुछ बेहतर कर सकता है और 2025 में सत्ता परिवर्तन के करीब वे पार्टी को ले जा सकता है। और राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग खुलकर जो है वो कुछ न कुछ जातिवादी राजनीति भी कर रहे हैं जो कि लगता नहीं है कि उन जैसे लोगों के लिए नेताओं के लिए कहीं ना कहीं ठीक है ये। जी देखिए, बिहार की राजनीति में जो अभी दौर है और उसमें भाजपा की जो स्थिति है, भाजपा आज की तारीख में सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और ठीक है, जो जातीय समीकरण साधना और जो वोट के हिसाब से जो कुछ होता है, लेकिन खुले तौर पर भाजपा तो इस स्थिति में नहीं है, या कोई भी दल नहीं होता है कि खास जाति को लेकर के आप आगे बढ़े कुछ करें। उस हिसाब से जो समीकरण भी अपना बना रही है, वो हर एक जाति समूहों को जोड़ना और सब आगे लाना, सबकी जो बात हो रही है, आप जो देखेंगे उसी सिलसिले में ही आप सम्राट चौधरी जैसे लोग भी को अल्लाह करके भाजपा में उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना कुछ करना, तो भी तो जाति समूह को ही साधने की बात है और सब कुछ है। उसमें जहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे लोगों का सामने आना प्रत्याशित रूप से नए तेवर में, राजीव प्रताप रूढ़ी की ऐसी छवि नहीं रही है और कभी भी वो जन नेता तो रहे नहीं है। उनका जो राजनीतिक सफर आप देखेंगे तो वो 1990 में राजनीति में आए थे, 90 में विधायक बने थे भाजपा, तो वो जो है उससे पहले चंद्रशेखर के साथ भी उनका जुड़ाव रहा है, चंद्रशेखर की पार्टी में भी वो रहे हैं। बाद के दिनों में वाजपेयी जी के सानिध्य में उनको काम करने का मौका मिला, जो कि सांसद चुने गए थे वहाँ 96 में छपरा से, तब छपरा सीट होता था। उन्हें बाद के दिनों में जब परिसीमन हुआ है तो उसका नाम बदल के सारण हुआ है, तो कई दौर से वहाँ से वो सांसद हैं, छपरा से और अब सारण से। बीच में हारे भी हैं, लालू प्रसाद से हारे भी थे, लेकिन बाद में 14 में राबड़ी देवी को भी हरा करके सांसद हुए थे, फिर 1900 में चंद्रिका राय को हराए थे। हाँ, 2019 में, तो 2019 और 14 में ये दोनों में जो राजद प्रत्याशी की हार हुई, राबड़ी देवी की हार हो या चंद्रिका प्रसाद राय की हार हो, चंद्रिका प्रसाद राय जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के लड़के होते, लालू जी के समधी, तो उनकी जो हार हुई है उस हार में कहीं ना कहीं राजद के ही जो पुराने चेहरे थे, ठीक है ना, जो बगावत करके सलीम परवेज जैसे लोग, जो सलीम परवेज एमएलसी भी रहे थे, बहुत बड़े कारोबारी होते हैं, बात करते हैं वो आए थे चुनाव लड़े, जो उनका जो वोट आया हुआ था उसको अब जोड़ेंगे तो रूढ़ी को बहुत मुश्किल थी वहां से निकलना, लेकिन ठीक है, चुनाव में जो जीतता है वो सिकंदर है, सब कुछ बातें। तो राजीव प्रताप रूढ़ी की जो छवि है वो कभी जन नेता की नहीं है, कोई ऐसे नेता की नहीं है जिनका बहुत जमीन से जुड़ाव रहा हो, ठीक है ना, और उनके सरोकार बहुत राज्य स्तर पर जुड़े हों, पूरे राज्य में इस कोने से लेकर उस कोने में, कम से कम जाति आधार पर ही अगर आ जाइएगा तो बहुत अपने जाति के भी बड़े नेता हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। छपरा का जो समीकरण जो जातीय हिसाब किताब है ना, वहां आएंगे तो जादव का, जादव और राजपूत दोनों का वोट का जो प्रतिशत है एकदम मैंने नेक टू नेक है, ठीक है ना, 1% का अंतर है कुछ है, वहाँ मुसलमान भी है, वहाँ निर्णायक भूमिहार मत होते हैं कि वो किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, उस हिसाब से भी फैसला आता, और दूसरी जातियों का भी वोट हिसाब किताब है, लेकिन कुल जो है राजपूत और जादव का हो गया, वहाँ कुर्मी लोगों का भी वोट है, ठीक है ना, तो अब तक तो जीतते रहे हैं, फिर दिल्ली गए वहाँ की राजनीति में अपना सक्रिय हो गए, मंत्री रहते सांसद रहते, फिर ये तो पायलट भी है, कमर्शियल पायलट है, ये पहला ऐसा है सांसद जो कमर्शियल पायलट भी है, राफाल उफाल भी उड़ा उड़ा चलाए उड़ाए, तो इनका ठीक है, उनका हिसाब किताब है। हाल के दिनों में ही जो आपके झारखंड के देवघर एयरपोर्ट का जो इनाग्रेशन हुआ था
तो उसमें जो पहला विमान आया था तो उसके भी पायलट यही थे। ठीक है, तो जमीन से जीत के जाना, फिर अपना केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाना, करना फिर है क्षेत्र में आना, दौरा करना, जो रूटीन वर्क होता है उस हिसाब से करते। आज की तारीख में अब इनको केंद्रीय राजनीति में कोई अहमियत हो नहीं गई। अभी आप इनके बयान को देखेंगे तो कहते भी हैं कि हमने 25 साल राजनीति कर ली केंद्र की, अब हमको केंद्र में तो कुछ करना है नहीं, तो अब हम राज्य के लिए ही करेंगे। ठीक है ना, तो अब अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, अब वो राज्य के लिए ही राजनीति करेंगे और सब कुछ करने की बात है। तो जब यह कह रहे हैं कि अब राज्य का हित उनके लिए सर्वोपरि है और राज्य में रह के लड़ना और कुछ करना, तो ये बात तो ठीक है, इसका भी मूल्यांकन लोग करेंगे। क्या बात है, राज अब तो बिहार से अगर आप जीत के सांसद होते हैं तो उस समय यह कहना क्या राज्य के लिए नहीं कर सकते, तो ये भी तो इसमें तो कंट्राडिक्टरी बातें हैं और इस पर भी मूल्यांकन होना है, सब कुछ है। लेकिन बढ़ चढ़ के जब आप यह कहते हैं कि भाजपा को नेतृत्व हम ही देंगे, ठीक है ना, भाजपा में ऐसा कोई है नहीं जो कुछ कर सके और लड़ सके। अरे लड़ने की बात है तो आप किससे लड़ना है यह भी तो आप स्पष्ट करेंगे ना। भाजपा अपने तय, आप अगर केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे और भाजपा जो आज के तारीख में सत्ता की राजनीति में जो बिहार में वजूद में है उसको उस स्थिति में लाने में आपका क्या योगदान रहा 25 सालों में, तो यह भी तो बताइएगा ना। तो लड़ने की बात है, जो विरोधियों से और विरोधियों से लड़ने की बात है तो आहिस्ता आहिस्ता ही लड़के, चाहे जिस जोर तोड़ के सहारे हो, कहीं ना कहीं वोट बैंक में इजाफा हुआ है, भाजपा का आधार वोट बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, तब तो आज भाजपा बड़ी ताकत है। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है, जो आप लड़ने भिड़ने की बात करते हैं और जिस अंदाज में कह रहे हैं, आप पार्टी से अलग भी नहीं हुए हैं, पार्टी ने आपको कुछ ऐसा करने के लिए भी नहीं कहा है, आप पार्टी के समानांतर कार्यक्रम भी चला रहे हैं, अचानक आप पूरे राज्य के दौरे पर निकल जा रहे हैं, आप राज्य को समझा रहे हैं। वो यहाँ भी कहते हैं कि भैया हम तो अभी हम चल नहीं पाते थे गाड़ियों से भी जो है सफर, माने अपने को जो क्या बोलते हैं उसको, जो परिवेश है, जो रहन सहन का हिसाब किताब था, तो उसमें अब बता रहे हैं कि अब हम बदले हैं, ढल रहे हैं, अब हम लंबी लंबी यात्रा सड़क यात्रा कर ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो अचानक इनका जो यह कहना है, तो यह कहने से भाजपा जितनी असहज होगी उससे ज्यादा तो आप विरोधियों को सहज कर रहे हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए तो वह खुश होने की बात है कि चलो भाई अब यहाँ भी एक आध खड़ा हो गया है, अब ये आपस में निपटे और कुछ करे ना करे। भाजपा ने अगर नेतृत्व तो बड़े बड़े चेहरों को दरकिनार करके अगर सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया है, नेतृत्व दिया, और पुराने तमाम लोग चाहे जो भी गिले शिकवे हो अपने वरीयता का नजरअंदाज किया जाना, उनको जितना भी चुभता हो, लेकिन खुले तौर पर वो विरोध नहीं कर रहे हैं और पार्टी का जो फैसला है उसको मानते हुए सम्राट चौधरी से कदम मिला करके इस बात के लिए काम कर रहे हैं कि भाजपा का बेहतर प्रदर्शन हो। बाद के दिनों में अब उसका क्या फलाफल निकलना है, नहीं निकलना है, सकारात्मक नकारात्मक जो कुछ भी होना है वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं अचानक आ करके और इस तरीके से करना, अब आप देखिए खास मुद्दे पर जो अभी नीतीश कुमार ने जो जेल से लोगों को समय से पहले छोड़ा, जो जिसमें सबसे ज्यादा आनंद मोहन की चर्चा हुई, सब बातें हुई, जिसके कारण भाजपा भी खुले तौर पर तो आनंद मोहन का नाम लेना न लेना जो भी हो, लेकिन नीतीश के इस कदम का विरोध किया और सब कुछ किया, आप वहां जाकर के और फिर नई बात बोल देना कि भाई आप प्रभुनाथ सिंह को भी जो है छोड़ दिया जाए, अगर इस आधार पर छोड़ दिया जाता है आनंद मोहन को, तो प्रभुनाथ सिंह को क्यों नहीं छोड़ दिया जाए। तो भाई आप जिस जातीय आधार पर भाजपा घेर रही है कि जातीय आधार पर लोगों को छोड़ देना और वो आप वोट के लाभ के लिए छोड़ना, जो नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है, आप फिर वही बात आके फिर जाति के बात पर आप टिक जा रहे हैं और फिर प्रभुनाथ सिंह को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को छोड़ के बहुत गलत किया, आनंद मोहन का की जो पृष्ठभूमि है और जिस मामले में वो सजा काट रहे थे, वो कृष्णैया के मामले में, जो जी कृष्णैया जो जिनकी हत्या हुई CIS ऑफिसर, तो क्या प्रभुनाथ सिंह जिस मामले में सजा सजा काट रहे हैं तो क्या वो उनका अपराध तो कोई कम तो नहीं हो गया था। वो तो और खुद उसी बिरादरी के लोगों का और जहाँ टकराव होता था, जो प्रभुनाथ सिंह के जो राजनीतिक
जो खींचतान था वहाँ, जो तारकेश्वर सिंह वगैरह जो इन लोगों का जो एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था, उसका हमको नाम नहीं याद आ रहा है, जिनकी हत्या हुई थी, जिनके भाई अशोक सिंह थे जो बाद में विधायक वगैरह बने थे, तो भी तो कम जघन्य नहीं थी और उनकी कम चर्चा नहीं हुई थी। तो आप ला के कहीं ना कहीं पूरा यह मामला उठा के जातिवादी केंद्रित राजनीति करके, जातिवादी केंद्रित बिहार, केंद्रित राजनीति बिहार का सच है या ठीक है, इस सभी पार्टियां इस हिसाब से सोचती है वोट के हिसाब से, लेकिन खुले तौर पर जो भाजपा का जो कहना है या जो भाजपा जिस बात को प्रचारित करती है कि भाई हम जाति धर्म से परे हो करके हम सबके सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है, वो तो धर्म के आधार पर भी जो बातें होती है उसमें भी उसका कहना है सब कुछ, तो आप आखिर जो पार्टी को असहज कर रहे हैं, तो इस असहजता में आप अपने को नेतृत्व देने की बात कह के तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपने को मुख्यमंत्री के रूप में भी आके कर रहे हैं, और यह स्थिति जब हो जाएगी तो भाजपा तो अभी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा करके तो चुनाव मैदान में आ नहीं रही है, क्योंकि उसका भी अपना जोड़ है घटाव है, और अगर मुख्यमंत्री बनने की ही बात होगी तो कच्छ पे बहुत सारे चेहरे बैठे हुए हैं, तो जिस तरीके से आपको राजीव प्रताप रूढ़ी असहज कर रहे हैं खुद को मुख्यमंत्री के रूप में आगे करने के लिए, इसी तरीके से तो गिरिराज सिंह ने भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था पिछले दिनों बेगूसराय की सभा में, और उनको मुख्यमंत्री बना के नारेबाजी भी करवा दिए थे, बाद के दिनों में पटना में भी कई जगह पोस्टर लगे, वो पार्टी का पोस्टर नहीं था लेकिन वो पोस्टर चाहे जिसने भी लगाया हो उसमें सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बताया जा रहा था कि भावी मुख्यमंत्री। फिर तीसरी बात आ गई तो उसमें हो गया कि सम्राट चौधरी बोला कि ना भाई सुशील कुमार मोदी से बढ़िया काबिल कौन लोग हैं, ये सब कुछ रहे होते ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अभी आप देखेंगे कि विजय सिन्हा जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं वो आके उन्होंने कह दिया कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो आरएसएस के पृष्ठभूमि वाला होगा, तो कहने का मतलब है कि वो खारिज कर रहे हैं सम्राट चौधरी को, भले वो बाद के दिनों में बात को घुमा फिरा के कहना और कहना कि नहीं हम ऐसा किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहे हैं, तो सम्राट चौधरी तो लीडर है, उनके नेतृत्व में हम लोग साथ हैं और साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी इस दौर में जहां गठबंधन में टूट हुई है, नीतीश कुमार अलग गए हैं, एक वोट बैंक जो है उसका कहना है कि नीतीश कुमार के अलग होने से कुछ खास वोट बैंक अलग हुआ है, उसको किसी तरीके से काटना है पाटना है, और उसके लिए भाजपा पहल कर रही है, नीतीश के लोगों साथ के लोगों को तोड़ करके लाना है, सम्राट चौधरी का बनाना तो लवकुश समीकरण का हिसाब है, आरसीपी सिंह को लाना सब, तो भाजपा जहाँ इतनी तरीके से बहुत जमीन पर आके अपने को स्थिर करके और ताकत जुटा करके मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास कर रही है, वहां आकर के आप कूद करके कहीं इस तरीके से पार्टी लाइन से अलग जा करके अगर कुछ बात कर रहे हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत तो महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन पार्टी की जो महत्वाकांक्षा है, पार्टी की महत्वाकांक्षा है कि हम किसी तरीके से भाई बिहार में मजबूत हो और वहां सत्ता राजनीति में हम केंद्र में रहे और सत्ता में रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं आप बाधक बन रहे हैं, तो बाधक बन रहे हैं तो पार्टी भी तो चूंकि अब देखिए लोकसभा चुनाव सिर पर है और उसमें जो बातें हो रही है कि हर एक राज्य के स्तर पर बहुत छोटे छोटे क्षेत्र के स्तर पर भाजपा अभी तीन तीन स्तर पर सर्वेक्षण करवा रही है, ठीक है ना, पार्टी नेतृत्व जो है एक उम्मीदवार को लेकर के अलग सर्वेक्षण है जो आम लोगों से पूछे जा रहे हैं कि क्या अच्छा बुराई जो भी है सकारात्मक नकारात्मक बातें, एक सर्वेक्षण हो रहा है वो पार्टी के स्तर पर हो रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात हो रही है कि भाई आपके जो सांसद हैं वो आपसे कितने करीब रहे, आपकी बात सुने नहीं सुने, आप उनसे सहज रहे या असहज रहे, क्या उनका फिर उम्मीदवार बनाना आपको पसंद है नहीं है नहीं है, तो इस स्तर पर बहुत सूक्ष्म स्तर पर और उस हिसाब से फिर उम्मीदवार बनाना न बनाना उस पर फैसला है, उसमें कई चेहरे हैं ऐसे जिनका नाम आ रहा है कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा कि भाई आप असहज हैं और आपको लेकर के पार्टी अब जोखिम नहीं लेना चाहती है, उसमें क्या ऐसे रूढ़ी जी का नाम है क्या? ये जो जो पार्टी नेता वरिष्ठ पार्टी नेता हैं, क्या उनको लग रहा है कि उनकी जबरदस्त उपेक्षा हो रही है? और क्या केंद्रीय नेतृत्व भी इस तरह की जो मनमर्जियां चल रही हैं, अगर इस तरह के वरिष्ठ नेता करेंगे तो कार्रवाई भी संभव है भविष्य में? नहीं तो पार्टी तो कहीं कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है ना, पार्टी तो अब जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से छोटे छोटे दलों को
बिहार में ही आप देख रहे हैं तो कुशवाहा, और कुशवाहा की पार्टी हो गई आपको, मांझी, मांझी तो उधर में है, मांझी को भी कोशिश किया जा रहा है कि चूंकि दलित नाम है, दलित का हिसाब किताब है, तो उनको भी किसी तरीके से हम साथ में ले आए। आपको चिराग पासवान को साथ लेने की बात हो रही है, आपको मुकेश सहनी की पार्टी को साथ लेने की बात हो रही है, मतलब हर एक तबके का वोट किसी तरीके से हासिल करके हमको सत्ता राजनीति में प्रमुख उस केंद्र में रहना है, हमको जीतना है। भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है कि हम तीसरी बार फिर हमको सत्ता में हासिल, माने सत्ता में वापस होना है, सत्ता में रहना है। और आप जब उसके जो सोच है और उसकी जो रणनीति है उसको ना कहीं दरकिनार करके आप उसमें अगर खलल डालने का कारण बनेंगे तो पार्टी इस बात को बर्दाश्त कर लेगी, ये सोचने वाली भी बात नहीं है। और कार्रवाई तो इन लोगों पर होना ही होना है। इस बिहार में जो भी लोग थोड़ा भी असहज करेंगे, जिनको पता नहीं है भाई, पुराने पुराने चेहरे, आप नित्यानंद राय से तो बड़ा चेहरा, नित्यानंद राय आपके गृह राज्य मंत्री होते हैं और सब है, उनकी भी अहमियत है, युवा नेता है, कहा तो जा रहा है तो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और सब कुछ है। जब अभी लोकसभा चुनाव में तालमेल के हिसाब से यह कहा जा रहा है कि भाजपा किसी तरीके से तालमेल करके कुछ न कुछ, मैंने कुछ कुर्बानी भी देना पड़े, उस कुर्बानी में नाम आ रहा है कि जिस तरीके से पिछले बार गिरिराज सिंह को नवादा से बेगूसराय शिफ्ट होना पड़ा था, ठीक है ना, कई कई क्षेत्र, कई नेताओं के क्षेत्र बदले थे भाजपा सांसद के, तो इस बार नित्यानंद राय जैसे लोगों का भी क्षेत्र, सीट बदल सकता है, क्षेत्र बदलना पड़ सकता है, उनको भी अचानक नए क्षेत्र में जाकर फिर अपना जो है दिल्ली की राह आसान करनी है, बनानी है। तो वैसे नेता जब अगर चुप है तो आपको तो कहीं कुछ पार्टी ने अभी कहा भी नहीं है, आप तो हैं, ठीक है, आप छपरा से, सारण से सांसद हैं, सब हैं आपके पास, तो आप अचानक आके फिर आपको इतनी महत्वाकांक्षा जाग जाता कि आप तो खुद कह रहे हैं कि अब हम केंद्र की राजनीति में हमको दिलचस्पी नहीं है, अब हम बिहार के लिए काम करेंगे। तो भाई खुद आप अपने तय करने वाले कौन हो गए? भाजपा में तो ऐसी राजनीति चलती नहीं है ना, भाजपा में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और तो व्यक्तिवादी पार्टी तो है नहीं, घोषित तौर पर भीतर क्या है नहीं है वो उस पर अलग चर्चा, अलग विषय बहस हो सकता है, लेकिन घोषित तौर पर जो बातें हैं उसमें आप आके कहीं ना कहीं तो खुद को केंद्र की राजनीति से करना, मतलब यह कह देना कि भाई अब हमको तो टिकट चाहिए नहीं, हम तो बिहार में राजनीति करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये तो असहज तो पार्टी को करता है ना, तो कार्रवाई तो इन पर होनी है। और एक पहले यह तो भी ये तो लोग, दिख रहा है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक असहमति जो सार्वजनिक तौर पर दिख रही है पार्टी नेताओं के बीच, अंदरूनी असहमति, अंदरूनी माने सहमति नहीं बन पा रही है, इस तरह से तो चीजें दिख रही हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है ना कि आप पिछले दिनों आप यह भी देखे होंगे कि जो बातें हो रही है उसमें तो कहीं ना कहीं तो है कि भाजपा भी अब पुरानी भाजपा नहीं है, अब भी बहुत तेजी से भाजपा बदली है, उसका चेहरा बदला है। तो जो आप सम्राट चौधरी को ला करके अध्यक्ष बनाने की बात हो, लाख सम्राट चौधरी की तुलना आप योगी से कोई कर दें, यूपी के जो योगी है, क्योंकि तो उनका पहनावा हुनावा भी एकदम रंग में आया, वो तो भाजपा वाले सब पगड़ी वगैरह बांध करके सब कुछ करना होता है, लेकिन पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो तो सही किसी ने नहीं पचा रहे हैं, यह बात तो है, और इस बात का प्राकट्य भी तो बयानों के रूप में होता ही है ना कहीं। अब गिरिराज सिंह जैसे लोग अगर उनको मुख्यमंत्री बना करके बता करके नारा लगवा रहे हैं तो गिरिराज सिंह की भी महत्वाकांक्षा नहीं है मुख्यमंत्री की, ऐसी बात तो नहीं मानी जा सकती ना, वो भी तो बिहार से आते हैं और भी जाते विशेष से आते हैं, तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं है कि भाई हम भी हैं, चेहरा है, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो रहे हैं, अब वो चाहे जिस परिस्थिति में जिस कारण से करें, तो इसमें तो राजनीति को बहुत चालाकी से समझिएगा, तो वो उनको मुख्यमंत्री घोषित करके सम्राट चौधरी को ना कहीं तो बहुत चालाकी से एक विषय तो दे दिया ना पार्टी के अंदर चर्चा के लिए, तब तो फिर विजय सिन्हा भी सामने आ गए और सब कुछ बात हो रही है, तो असहजता की स्थिति तो स्वाभाविक रूप से एक है ही, आखिरी तो सवाल उसको तो जी कि क्या ऐसे नाराज नेता जो पार्टी से नाराज हैं भाजपा के, क्या पाला बदल भी कर सकते हैं चुनाव के दौरान? देखिए पाला बदल की स्थिति जो आएंगे ना, अभी तो भाजपा के जो लोग हैं, जो जिनके टिकट कटने की जो बात हो रही है और हो रही है,
तो पाला बदलने के बाद भी इनको बहुत पार्टी, कोई दूसरी पार्टी लेने की स्थिति में नहीं, चूंकि जो सामने जो है वो महागठबंधन ही है ना, जो जेडीयू और आरजेडी वाला, छोटा छोटा को छोड़ दीजिए, तो उनके लिए तो सीटें ही कितनी होंगी और क्या होगा, जो किसको बाहर से लाके किसको लेंगे नहीं लेंगे, तो इन लोगों की स्वीकारता उधर भी नहीं होगी, तो पाला बदल के कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, है ना। इन लोगों को कुल मिला के हाशिए पर ही जाना है, ठीक है ना, इनको हाशिए पर ही जाना है, अगर ऐसा ले भी ले। अब राजीव प्रताप रूढ़ी किस पार्टी में जाएंगे और कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, उनको कौन लेगा और देगा, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ, सीधी लड़ाई भाजपा भी जो अगर किसी को उम्मीदवार बनाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो वहाँ जातीय समीकरण है उस हिसाब में दूसरे को बना दे कुछ हो। और जब बहुत आक्रामकता से चुनाव होता है, जो राजीव प्रताप रूढ़ी का भी देखा हुआ है ना कि घर से निकलना मुश्किल, एक चुनाव ऐसा भी आया था कि मतदान के दिन उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था, उनके कार्यकर्ता पीटे जा रहे थे बूथों पर, और वो जाके वहाँ बचाव करने की स्थिति में नहीं थे जब विरोधी आक्रामक रूप से उनके सामने आया था। तो कोई भी रहेगा तो उसी बिरादरी से वहाँ उम्मीदवार होगा, तो फिर ये दूसरी पार्टी से उम्मीदवार बन के भी वहाँ कितना वोट ला पाएंगे क्या कर लेंगे, क्योंकि वहां सीधी लड़ाई में, सीधी जब होगी तो सीधी लड़ाई होगी, और सीधी लड़ाई में कहाँ से वोट लाएंगे और क्या करेंगे, उससे कई लोग है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र से प्रभुनाथ सिंह का मामला महाराजगंज बगल में सटता है, तो महाराजगंज का जो उम्मीदवार वहाँ जो अभी सांसद होते हैं, क्या नाम है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वो तो खुद उसी राजपूत बिरादरी से है, और उनकी भी स्थिति बहुत इस बार अच्छी नहीं कही जा रही है, कही तो यह जा रही कि उनका भी टिकट वगैरह कटना उठना है और सब कुछ होना है, क्योंकि क्षेत्र में जो काम के आधार पर उनका भी कुछ नहीं बेहतर कुछ हो पा रहा है, और स्थिति नहीं बनाने की स्थिति वहां, तो आप लाइन से उधर देखिए ना, सारण हो गया, महाराजगंज हो गया, आपको यहाँ गोपालगंज हो गया, और क्या नाम है, सिवान हो गया, कौन कौन बिरादरी के लोग हैं, यही तो राजीव प्रताप रूढ़ी, महाराजगंज हो गए, सिग्रीवाल हो गए, सिवान में कविता सिंह है जो, तो वो भी तो वही बिरादरी है, तो सब ही असहज हो रहा है, इन लोगों की बहुत आमद हो रही, पाला बदलने की स्थिति में, इनको कोई लेने की स्थिति में भी नहीं, और भाजपा इस बात को समझ रही है बखूबी, तब तो इन लोगों को बहुत खुले तौर पर कुछ कह भी नहीं रहे अभी, कि चलिए भाई जो जो उछल कूद करना है करिए। तो बातचीत के लिए आपका जी आभार। नमस्कार। जी नमस्कार।